हेलो बच्चों, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल फिजिक्स नाश्ता के अंदर। क्लियर? आज हम क्लास 9 में वर्क मेटल चैप्टर के अंदर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला की प्रूविंग करेंगे। प्रूविंग करने से पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी होती क्या किसी ऑब्जेक्ट की। तो किसी ऑब्जेक्ट में जब एनर्जी स्टोर हो उसकी हाइट की वजह से, उसके पोजीशन के चेंज होने की वजह से, यानी उसके शेप के बदलने की वजह से, उसके कॉन्फिगरेशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे बोलते हो क्या? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो। एग्जांपल बात कर ले हम, यदि बात करें ड्यू हाइट की, सीलिंग फैन है जो रुका हुआ है जमीन की हाइट पे है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ये बात होगी ड्यू हाइट की। ये मैंने चौक लिया हुआ है, इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ ले जा रहे हैं, कुछ हाइट चेंज हुआ तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू शेप चेंज की बात करें, आप रबर बैंड ले लो, छोटा वाला खींच लो उसको, बड़ा जाएगा, उस रबर बैंड में जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो अगर धनुष खींचते हैं तो खींचने के बाद खींच जाता है, तो उसमें एनर्जी स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग को ले लो, कंप्रेस कर दो या फिर उसको पुश कर लो या पुल कर लो तो शेप बदल जाएगा, उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सीरीज ये बात कर लिया जाए, द एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। क्लियर? फॉर्मूला इसका आएगा mgh। m मास रहेगा उस ऑब्जेक्ट का, शॉक का मास है, g ग्रेविटी रहेगी, h हाइट कितना ऊपर ले गए हैं, इसकी हम प्रूविंग करेंगे। प्रूविंग से पहले एक बात याद रख लो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो सकता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड, यानी चौक है छोड़ोगे नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है टूवर्ड्स डाउनवर्ड। आइए सोच करते हैं प्रूविंग को, ध्यान दो आप, यहाँ पर ये मेरा ग्राउंड है यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसका मास है इस मास एम, ये पॉइंट ए पर है। क्लियर? इस पे डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, उसका नाम होगा एम जी। इसी एम जी को बोलते हैं क्या? वेट बोलते हैं। उस बॉडी का वेट कहाँ? टूवर्ड्स डाउनवर्ड। अब हमने इसको उठाया, इच्छा रखिए उसको उठा रहे हैं लोग, ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं क्या? एफ। और कहाँ ले आया इसको हम? अब यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, कहाँ ले आए? उठा के पॉइंट बी पर ले आए हैं। कितना हाइट पर ले आए हैं उसको? ग्राउंड सरफेस से एच हाइट पर ले आए हैं। क्लियर? तब भी इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा एम जी। और वहाँ पर फोर्स कहाँ लगा था? ऊपर लगा था फोर्स। एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। एनर्जी डेफिनेशन लीजिए कि किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो अब हम वर्क डन निकालने में जब बॉडी को ए से बी मूव कराए हैं, जो हमारा वर्क डन होगा वही क्या होगी? एनर्जी स्टोर होती है। आइए निकालते हैं वर्क डन। वर्क टू बी डन, work to be done on a body, but when move from A to B, कितना वर्क करेंगे? वर्क का टोटल क्या होता है? F into S, W into F, कितना लग रहा है? ये F जो है वेट बराबर, देखो हर जगह, तो ये क्या जाएगा? mg। कितना ऊपर ले गए हम ए से बी में? उसको एच पर ले गए हैं, एम जी एच। तो वर्क डन कितना आएगा? देखो एम जी एच। हमारे क्या कहा था? जो वर्क डन है वो क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, यही क्या हो जाएगी? यू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क एम जी एच। अब देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है ग्रेविटी पे, हाइट पे और मास पे। पोटेंशियल एनर्जी यानी अर्थ सेंटर पर जाओगे तो जीरो हो जाएगी। क्यों? मोमेंट जी जीरो होती है। जैसे ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, क्योंकि जी घटती है। जी क्या होती है? रिड्यूस होती, कम होती है। हाइट बढ़ती है, ग्रेविटी क्या होती है? घटती है। हाइट वैसे बढ़ेगी लेकिन ग्रेविटी वैसे क्या होगी? कम होगी। ठीक है, एनर्जी यूनिट क्या होती है? बताया गया क्या? जूल। छोटी सी प्रूविंग की दिखाते हैं, प्रिंसिपल जे से दिखाते हैं छोटी सी प्रूविंग की। यदि वीडियो आपको समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।